हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आरबीआई की तरफ से असिस्टेंट के पद पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें फ्रेंड, तो 13 तारीख 9वां महीना 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 4 तारीख 10वां महीना 2023 तक भरा जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें फ्रेंड, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को फॉर्म भरने में ₹450 लगेगा और एससी एसटी को फॉर्म भरने में केवल ₹50 लगेगा। प्री एग्जाम की बात करें तो 21 से 23 अक्टूबर तक आप लोग का प्री एग्जाम चलेगा और मेंस की बात करें फ्रेंड, तो 2 तारीख 12वां महीना 2023 को आप लोग का मेंस एग्जाम होगा। फ्रेंड, उम्र की बात करें तो कम से कम आप लोग का उम्र होना चाहिए 20 साल। कम से कम आप लोग का उम्र कितना होना चाहिए? 20 साल। और अधिक से अधिक फ्रेंड आप लोग का उम्र जो होना चाहिए 28 साल होना चाहिए। और आप लोग का जो उम्र काउंट किया जाएगा फ्रेंड, 1 तारीख 9वां महीना 2023 से आप लोग का उम्र काउंट किया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो 450 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। और योग्यता की बात करें फ्रेंड कि फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो आप लोग बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं, ये मायने नहीं है कि आप लोग साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं, आप लोग का 50% मार्क्स है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग को बताया गया क्या आरबीआई ऑफिस नेम, कि कहाँ कौन से ऑफिस में पद, कितना पद कौन से कैटेगरी में खाली है। यहाँ पर ऑफिस नेम, यहाँ पर भाषा दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितना पद है। तो देख लीजिए फ्रेंड, मैं एक से दो को बता देता हूँ और बाकी मैं धीरे धीरे नीचे करते जाऊँगा। आप लोग अपने शहर में, अपने जगह पर, अपने कैटेगरी में आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड। लखनऊ, कानपुर और लखनऊ में फ्रेंड हिंदी लैंग्वेज चलता है। कानपुर में जनरल में 28 सीट है फ्रेंड, ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है, ओबीसी में 9 सीट है और एससी में 12 सीट है और एसटी में 1 सीट है। टोटल पोस्ट कानपुर और लखनऊ में फ्रेंड 55 सीट है। ऐसे ही फ्रेंड न्यू दिल्ली में देखिए, वहाँ का भाषा जो है हिंदी है, लोकल भाषा हिंदी है। जनरल में, जनरल कैटेगरी में 17 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, ओबीसी में 8 सीट है, एससी में 1 सीट है और एसटी में 0 सीट है फ्रेंड, और टोटल 28 सीट है। पटना में देखिए फ्रेंड, पटना में आप लोग को हिंदी और मैथिली, हिंदी और मैथिली लोकल भाषा है और यहाँ में जनरल में 4 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी में 3 सीट है और एससी में 1 सीट है और एसटी में भी फ्रेंड 1 ही सीट है और टोटल सीट 10 सीट है। फ्रेंड, मैं आप लोग को अब धीरे धीरे नीचे करते जाता हूँ, आप लोग अपने शहर अपने कैटेगरी में देख लीजिएगा कि कितने पद पर वैकेंसी है। देखिए फ्रेंड, मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आप लोग अपने शहर में ध्यान दीजिए कि कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट पर यह वैकेंसी आया हुआ है। फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वैकेंसी से कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग को रिप्लाई कमेंट के माध्यम से अगर आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो कमेंट के माध्यम में कमेंट देकर छोड़ दूंगा, और अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग का जो भी डाउट होगा मैं वो डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।